नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों मैं आज आपके लिए BEd एग्जाम संयुक्त प्रवेश परीक्षा में हमारा सेकंड पेपर होता है उसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षा के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें से मैंने आज टॉपिक लिया है समाज के प्रति अवती, उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करूँगा। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें इन इन टॉपिक पर हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे हमारा टॉपिक है शिक्षा के प्रति अवभूति, समाज के प्रति अवभूति, तो मैं आज आपके लिए समाज के प्रति अवभूति सेकंड टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। दोस्तों मैं आगे भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, तो आप रेगुलर अपडेट होते रहिएगा हमारे चैनल से। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आपकी दृष्टि में समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है। ए ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है लोगों से विशेष संबंध ही ना रखा जाए, बी ऑप्शन है केवल कुछ लोगों से ही संबंध रखा जाए, सी ऑप्शन है सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए, डी ऑप्शन है अपने विश्वासस्थ लोगों से ही संबंध रखा जाए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर, राइट आंसर विल बी सी, सी इज द राइट आंसर, सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो आप ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे, बी ऑप्शन रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे, सी ऑप्शन है झगड़ा करने वालों को तुरंत समझाकर शांत कराने का प्रयास करेंगे, डी ऑप्शन है चुपचाप सिर नीचा करके रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर विल बी सी, सी इज़ द राइट आंसर, झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत कराने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं। ऑप्शन है हमारे, ए बिल्कुल स्वार्थी जो केवल अपने मतलब से बात करते हैं, बी ऑप्शन है सहयोगपूर्ण जो बिना स्वार्थ के सहायता हित तत्पर रहते हैं, और सी ऑप्शन है तटस्थ जो लोगों के हित और अहित से बिल्कुल संबंध नहीं रखते, डी ऑप्शन है बहुरंगी जिनकी प्रकृति के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमारा सही राइट आंसर विल बी डी, तुम्हारा सही राइट आंसर होगा डी, बहुरंगी जिनकी प्रकृति के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, आपके विचार में ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, बी ऑप्शन है लोगों के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, सी ऑप्शन है अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, डी ऑप्शन है केवल अपने परिचितों पर ही विश्वास किया जा सकता है। तो आपके विचार से इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, हमारा राइट आंसर विल बी सी, अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, यदि आपके पड़ोसी की रात में अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो आप ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है तबीयत खराब होने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, बी ऑप्शन अन्य पड़ोसियों को तुरंत खबर करेंगे, सी ऑप्शन है निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जाएंगे, डी ऑप्शन है प्रातः की परीक्षा करेंगे और सुबह होते ही डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो हमारा सही आंसर इसका होगा सी विल बी राइट आंसर, निकटवर्ती डॉक्टर के पास या चिकित्सालय में रोगी को तुरंत ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आप अपने उस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं जो ऑप्शन हमारे सर्वदा आपका मनोरंजन करता है, बी ऑप्शन है पाठ पाठन में रुचि रखता है, सी ऑप्शन धार्मिक क्रियाकलापों में अधिकतम समय व्यतीत करता है, डी ऑप्शन है सर्वदा अहिंसा के मार्ग पर चलता है। तो हमारा सही आंसर होगा इसका बी विल बी राइट आंसर, जो पाठ पाठन में रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, यदि आपका मित्र आपसे बिना विशेष कारण के नाराज हो गया तो आप ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए है उसे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, बी ऑप्शन उससे बात ही नहीं करेंगे, डी ऑप्शन उससे बात करके उस उत्पन्न गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, और डी ऑप्शन है सभी दोस्तों में उसकी आलोचना करेंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारा सही आंसर देखते हैं, राइट आंसर विल बी सी, उससे बातें करेंगे और उत्पन्न गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
एट, क्वेश्चन नंबर एट है, आपके मित्र से आपका मंदुर संबंध बना रहे आपके विचार से इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन हमारे ए, मित्रों की सर्वदा प्रशंसा की जाए। बी ऑप्शन है, ईमानदारी पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए। डी ऑप्शन है, मित्रों को अपना घर बुलाया जाए तथा स्वयं उनके घर जाया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है डी, मित्रों की गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए। तो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर हमारा बी, बी इज़ द राइट आंसर, ईमानदार पूर्वक विश्वास बनाए रखा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, आप चाहते हैं कि आपका मित्र उस परिवार से संबंधित हो। ऑप्शन है हमारे ए, ऑप्शन है जिसमें बड़े बड़े राजनेता उत्पन्न हुए हों। बी ऑप्शन है जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति उत्पन्न हुए हों। सी ऑप्शन है जिसमें साहित्य एवं कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हों। डी ऑप्शन है जिसमें महान सामाजिक कार्यकर्ता उत्पन्न हुए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर विल बी सी, जिसमें साहित्य एवं कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन है, आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा की है। आप ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए, उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फलों की सूचना यथा समय देंगे। बी ऑप्शन है, आप उसके पत्र को एक ओर रख देंगे और उत्तर तक ना देंगे। सी ऑप्शन है, आप असमर्थता व्यक्त करते हुए उसे पत्र लिख देंगे। डी ऑप्शन है, आप उसको इस आशय का विख्यान देंगे कि किसी से इस प्रकार की काम की आशा आप क्यों करते हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ए, राइट आंसर हमारा ए है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, उसका कार्य करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों की सूचना यथा समय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन है, आप सोसाइटियों में जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आप ए ऑप्शन है आवश्यक समझते हैं, बी ऑप्शन है व्यर्थ समझते हैं, सी ऑप्शन व्यवसाय बढ़ाने के लिए उपयोगी समझते हैं, डी ऑप्शन मानसिक विकास और सामाजिकता में सहायक समझते हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है डी, डी इज़ द राइट आंसर, सामाजिक विकास एवं सामाजिकता में सहायक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, बेईमानी व धोखाधड़ी को आप ऑप्शन है बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते। बी ऑप्शन है बुरा समझते हैं परंतु अवसर मिल जाने पर कोई संकोच नहीं करते। डी ऑप्शन है करते हुए डरते हैं। डी ऑप्शन है जीवन में सुखी रहने के लिए अथवा भौतिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन हमारा ए, बुरा समझते हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहते। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, आपकी राय में खुशामद करना ए ऑप्शन है सर्वदा ताज्य है। बी ऑप्शन एक कला है यह हर एक के बस की बात नहीं है। सी ऑप्शन है तरक्की करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, खुशामद से ही आमाद है। डी ऑप्शन है मुझे आता नहीं अन्यथा अवश्य करता। तुम्हारा राइट आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यह एक कला है और ये हर एक के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, आप रात्रि में अपने टीवी पर रोचक कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता परंतु आपके कुछ रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं। आप ऑप्शन है टीवी बंद कर देंगे और स्वागत करेंगे। बी ऑप्शन टीवी की आवाज़ कम करके वह रिश्तेदारों से बात करेंगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने को कहेंगे। सी ऑप्शन है आप रिश्तेदारों पर अधिक ध्यान नहीं देकर अपना कार्यक्रम देखते रहेंगे और पत्नी से कहेंगे तो वह उन्हें बैठक में मिठाई और इंतजार करने को कहे। डी ऑप्शन है हमारा आप अनिच्छा से उनसे मिलेंगे
और यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप ठीक समय पर नहीं आए हैं। तो ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर हमारा बी, टीवी की आवाज़ कम करेंगे, रिश्तेदारों से बात करेंगे और उन्हें भी कार्यक्रम देखने को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह ज्ञात होने पर कि आपका साथी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, आप ऑप्शन हमारे उसका बहिष्कार करेंगे और कोई ध्यान नहीं देंगे, बी ऑप्शन है उसे मादक पदार्थों के कुप्रभावों को बताकर सचेत करेंगे, सी ऑप्शन है उसे उसके परिवार वालों को बताएंगे, डी ऑप्शन है उसे उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी डी, उसे उपयुक्त चिकित्सक के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कार्यालय के सम्मुख ठेलों पर खुले एवं कटे फलों के चाट बिकते देखते हैं, अन्य खाने की वस्तुएं भी खुली रखी रहती हैं, और तो हमारा ऑप्शन है आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या आप लगाते हैं। ऑप्शन है हमारी इच्छा होने यानी कि इच्छा होने पर अपने लिए सफाई से चाट बनवा कर खाएंगे, बी ऑप्शन कह रहा है हमारा इच्छा होने पर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, सी ऑप्शन है नगर पालिका से संबंधित अधिकारियों को इस बारे में लिखेंगे ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, डी ऑप्शन आप तटस्थ रहेंगे और पास के ही किसी रेस्टोरेंट में जाकर जलपान का प्रबंध कर लेंगे। तो हमारा सही आंसर वैसे सी होगा, देखते हैं क्या इसका आंसर, राइट आंसर विल बी सी, नगर पालिका में संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में लिखेंगे ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त बिजली चली जाती है, आपके घर के निकट ही बिजली का छोटा कार्यालय शिकायत करने के लिए है, बिजली जाने पर आप ऑप्शन है हमारे घर में रहकर बिजली आने की प्रतीक्षा करेंगे, बी ऑप्शन है घूम फिर कर देखें बिजली क्यों नहीं आ रही, और सी ऑप्शन है इस प्रतीक्षा में रहेंगे कि कोई पड़ोसी शिकायत लिख आया होगा, डी ऑप्शन है स्वयं शिकायत लिखवा कर आएंगे और बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। तो हमारा देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, स्वयं शिकायत लिखवा कर आएंगे और बिजली ठीक कराने का भरसक प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपके घर के पास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो फ़ोन ठीक करवाने के लिए लाइनमैन को पटाकर रखते हैं, वह हर महीने कुछ रुपए इस बात के लिए देते हैं कि वह उनका फ़ोन ठीक करता रहे, आपका फ़ोन भी ख़राब है, आप ऑप्शन है लाइनमैन को रुपया देकर काम कराएंगे, बी ऑप्शन है अपने फ़ोन की शिकायत लिख आएंगे, सी ऑप्शन है लाइनमैन की कार्यालय में शिकायत करेंगे, डी ऑप्शन टेलीफोन कार्यालय में जाकर फोन ठीक कराने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी डी, टेलीफोन कार्यालय में जाकर फोन ठीक कराने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, आज के बदलते हुए परिवेश में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ आप और क्या उपेक्षा करते हैं, हमारे ऑप्शन है बे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने ताकि आर्थिक रूप से निर्भर हों, बी ऑप्शन है आवश्यकता होने पर माता पिता का भरण पोषण कर सकें, सी ऑप्शन है राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें और प्रचलित बुराइयों के लिए संघर्ष करें, डी ऑप्शन है योग्यता के अनुसार इस प्रकार शिक्षित और प्रशिक्षित हों कि आत्मरक्षा करती हुई जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। तो हमारा देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी, डी इज द राइट आंसर, योग्यता के अनुसार इस प्रकार शिक्षित और प्रशिक्षित हों जो आत्मरक्षा करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, काम पर जाते हुए स्थान पर भीड़ देखने पर पता चलता है कि दुर्घटना हो गई है, आप डॉक्टर हैं तब आप क्या करेंगे, ऑप्शन है हमारे ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए रुक कर ज्ञात करेंगे कि दुर्घटना का शिकार व्यक्ति कौन है व दुर्घटना कैसे हुई,
विवरण जानकर आप चले जाएंगे। बी ऑप्शन है, आप बिना रुके अपने काम के लिए अग्रसर हो जाएंगे। सी ऑप्शन है, आप घायल व्यक्ति को देखकर उसका परीक्षण कर या जानने का प्रयास करेंगे कि चोट कहाँ पर है और कितनी गहरी है, और निकट के चिकित्सालय में पहुँचाने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन है, आप स्थिति को समझकर वहाँ से चुपचाप खिसकने का निर्णय लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी, सी इज द राइट आंसर। आप घायल व्यक्ति को देखकर उसका परीक्षण कर या जानने का प्रयास करेंगे कि चोट कहाँ पर है और कितनी गहरी है, और निकट के चिकित्सालय में आप पहुँचाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कार्यालय के एक कोने से धुआं आ रहा है, आपको पता चल गया कि आग लग गई है। आप सबसे पहले, ऑप्शन है हमारे ए, ऑप्शन है ए ऑप्शन है शोर करके सबको सूचना देंगे। बी ऑप्शन, तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। सी ऑप्शन, कार्यालय से बाहर आकर अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन, पहले सीज फायर का प्रयोग करें तथा अथवा आग बुझाने के उपायों पर कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले सीज फायर का प्रयोग करेंगे अथवा आग बुझाने के उपाय पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। है, पति पत्नी में बहुत सी बातों में मतभेद हो जाता है और क्रोध आवेश में बिना समझे बुझे कुछ कहा जाता है। माता पिता के रूप में आप, ऑप्शन है हमारे बच्चों के सम्मुख बात करते रहेंगे और अपने बड़े होने के अधिकार के कारण उनकी परवाह नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है हमारा उत्तेजना आवेश में भोजन का परित्याग करेंगे व क्रोधित रहेंगे। सी ऑप्शन है अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे व इस तरह की घटनाओं से बचने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन है विदित विषयों पर यथासंभव खुले मन से विचार करेंगे और बच्चों के सामने अपने झगड़ों को यथासंभव कम से कम प्रकट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी, डी इज द राइट आंसर, विदित विषयों